हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका पीरियड्स खुल के नहीं आ रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, पीरियड्स का जो ब्लीडिंग होता है, अगर वो 3 से लेकर 5 दिन तक होता है तो उसे हम नॉर्मल ब्लीडिंग बोलते हैं। लेकिन अगर आपका पीरियड 2 दिन से कम आता है या फिर 2 दिन से ज़्यादा तो आता है लेकिन उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा कम आता है, तो वो नॉर्मल नहीं होता है, यानी कि आपका पीरियड खुलकर नहीं आता है। आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि अगर पीरियड खुलकर नहीं आ रहा है तो क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, और प्रेग्नेंट होने में मुझे क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। सो पीरियड खुलकर ना आने के पीछे क्या कारण है, उससे डिस्कस करने पहले, अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अनुराधा केयर चैनल में वोमेन हेल्थ रिलेटेड, प्रेगनेंसी टिप्स रिलेटेड, ओवुलेशंस, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी के दौरान क्या खान पान शेयर करते रहती हूँ। तो जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, पीरियड्स खुलकर ना आने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें से पहला जो कारण है वो है जेनेटिक्स। अगर आपका माँ या फिर बहन, उनका पीरियड्स खुल के नहीं आती थी पहले, तो हो सकता है कि आपका पीरियड्स भी खुलकर नहीं आ सकता है। दूसरा जो कारण है वो है कि अगर एक लड़की का उम्र जस्ट 11 से 13 ईयर्स है और हाल ही में उस लड़की का पीरियड्स स्टार्ट हुआ है, या फिर आप 45 से 50 ईयर्स की उम्र की महिला है और आपका मेनोपॉज होने वाला है, यानी कि आपका पीरियड्स परमानेंटली स्टॉप होने वाला है, तो इस केस में भी आपका पीरियड्स खुल के नहीं आता है। क्योंकि ये दोनों केस में हार्मोन के बदलाव से कारण से आपका जो ओवुलेशन प्रोसेस है वो बहुत डिले होता है, या फिर ओवुलेशन टाइम पर नहीं होता है। इसीलिए तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, वो अच्छे से जो परत बनता है पीरियड्स के दौरान, वो परत ठीक से बन नहीं पाता है, मोटी इतना नहीं होता है, पतली ही होता है। तो इसीलिए आपका पीरियड्स आने के दौरान वो खुलकर नहीं आता। पीरियड्स रेगुलर होने के लिए या फिर पीरियड्स के आने के पीछे बहुत सारे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें से जो हार्मोन पीरियड खुलकर ना आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है, एक है थायराइड। अगर आपके शरीर में थायराइड का मात्रा कम है, यानी कि आप हाइपोथायरॉयडिज्म है, या फिर आपके शरीर में प्रोलैक्टिन का हार्मोन ज़्यादा है, यानी कि आपको हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया है, तो इस केस में भी आपका पीरियड्स खुलकर नहीं आता है। इसके साथ साथ अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हैं तो भी आपका पीरियड खुलकर नहीं आ सकता है, और अगर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव के इंजेक्शन लिए हैं जिसको कि हम डिम्पो बोलते हैं, तो भी आपका पीरियड्स कम होने का चांसेस रहता है। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स इरेगुलर पीरियड को रेगुलर करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देते हैं, या एक उपकरण यूटरस में इंसर्ट करते हैं जिसको कि हम मिरेना बोलते हैं। उस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या फिर उस उपकरण की वजह से आपका पीरियड रेगुलर तो होता है लेकिन पीरियड खुल के नहीं आता है, यानी कि 2 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होता है, या फिर ब्लीडिंग होता है तो स्पॉटिंग या फिर बहुत कम ब्लीडिंग होता है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो भी ये आपके हार्मोनल लेवल के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। अगर आप एग्ज़ाम के टेंशन ले रहे हैं, या फिर आपके जॉब के टेंशन ले रहे हैं, या फिर रोज़मर्रा के ज़िंदगी में कुछ टेंशन आपको हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चलते आपको भी जो पीरियड्स खुलकर नहीं आ सकता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर डाइटिंग कर रहे हैं अपना वेट लॉस करने के लिए, तो भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चलते इसमें आपका जो पीरियड्स है वो खुलकर नहीं आता है। और एक जो कारण होता है पीरियड्स खुलकर ना आने के पीछे वो है कि अगर आपका मिसकैरेज हाल ही में हुआ है और आपने डायलिटेशन ऑन गिरोटेस किया है, तो इस प्रोसेस के बाद आपका जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है, जो यूटरस का दीवार जो बनता है, वो जो परत होता है वो बहुत पतली बनती है। तो इसके बाद आपका पीरियड्स भी बहुत लाइट आ सकता है, या फिर स्पॉटिंग का सिर्फ आ सकता है, या फिर ब्लीडिंग 2 दिन या फिर 2 दिन से कम आ सकता है। सो अगर आपका पीरियड खुलकर नहीं आ रहा है तो ये सब कारणों में से किसी एक कारण हो सकता है। क्या यह भी हो सकता है कि कोई भी कारण ना होकर भी आपका पीरियड इरेगुलर होता है? सो अगर आपका पीरियड्स खुलकर नहीं आ रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपका कुछ खून का, यानी कि ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं,
हैं और वो जानने की कोशिश करते हैं कि आपको ये जो पीरियड खुलकर क्यों नहीं आ रहा है, और उसी के हिसाब से ही आपका ट्रीटमेंट कराते हैं। और पीरियड खुलकर आने के लिए बहुत सारे होम रेमेडीज या फिर घरेलू उपाय भी होते हैं, इसके बारे में मैं और एक वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगी। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।